नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों टाटा पावर की। और टाटा पावर में इसलिए बात करना है क्योंकि एक बड़ी तेज़ी, और ये तेज़ी जब मैं कहता हूँ बड़ी तो इतनी भयंकर है दोस्तों कि पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 175% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। ठीक है, एक साल में 175% ज़्यादा रिटर्न देने के बाद अब कई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि वो टाटा पावर को थोड़ा ग्राउंड डाउनग्रेड कर रहे हैं। और एक डील हुई है पावर के हिसाब से टाटा पावर की, जिसके कारण लोग बताया जा रहा है कि शेयर में शॉर्ट टर्म में एक गिरावट हो सकती है। और आज 5.5% से ज़्यादा की गिरावट जो ये दिखाया है ये स्टॉक, अब निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस शेयर में अब नया निवेश में करना चाहिए क्या, या ये गिरावट के बाद शेयर में और गिरावट होगी। ब्रोकरेज हाउसेस ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छी एनालिसिस की है टाटा पावर के ऊपर। क्या है वो पूरी एनालिसिस आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव ये पूरी वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूँगा शेयर प्राइस की तरफ। 5.53% की गिरावट, कितनी दोस्तों 5.53% की गिरावट। और देखिए इस गिरावट के बावजूद अगर मैं आपसे बात करूं पिछले एक साल में स्टॉक ने दोस्तों देखिए कितने का रिटर्न दिया है, 175.05% का रिटर्न, विच इज़ फिनोमिनल। और देखिए मुझे ना इसीलिए टाटा पावर में, जब मैं आपको दिखाऊं पिछले, अगर सिर्फ आप एक महीने की बात करेंगे ना, सिर्फ एक महीने में ये निचले स्तरों से जो ये देखिए जो टच किया था 227, वहाँ से एक समय में दोस्तों 27% भाग गया था। और ये सिर्फ एक महीने में नहीं भागा था दोस्तों, ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि 15 दिनों में ओनली इन 15 डेज 15 दिनों में ये 27% भाग गया था दोस्तों। ठीक है, 27%। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के टाटा पावर के ऊपर बहुत बड़ी होप्स लगाए रखे थे, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस हो चाहे वो नए इन्वेस्टर हो। और देखिए एक यूफोरिया बना दिया जाता है हमेशा स्टॉक में, और हुआ वही सेम टाटा पावर के साथ कि टाटा पावर के ऊपर यूफोरिया बना दिया गया, एक तरफा शेयर को भगाया गया है। और आप देखिए टाटा पावर लगभग एक साल में 75% भाग गया है। लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, इन तमाम चीज़ों में आपको भी बताऊँगा दोस्तों मैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, टाटा पावर सीज एनालिस्ट डाउनग्रेड्स आफ्टर रिन्यूएबल एनर्जी डील। दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी के डील हुए टाटा पावर के साथ, टाटा पावर की, उसके बाद एनालिस्टों ने इसे डाउनग्रेड किया है। क्या है भाई पूरा मामला, मोस्ट एनालिस्ट डाउनग्रेड टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइटेड लेस देन एक्सपेक्टेड डील वैल्यूएशन फॉर इट्स रिन्यूएबल बिजनेस। दोस्तों जो इसका रिन्यूएबल बिजनेस है ना, उसकी डील हुई है और जो उसके वैल्यूएशन है जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे काफ़ी नीचे की गई है। और यही कारण है एक बड़ी गिरावट देख रही है, और आने वाले समय में भी एक बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। देखिए द कंपनी हैज अग्रीड टू सेल स्टेक इन इट्स रिन्यूएबल बिजनेस टू अ कंसोर्टियम लेड बाय यूएस बेस्ड ब्लैक रॉक रियल एसेट्स। और ये जो ब्लैक रॉक है ना दोस्तों, कभी इनके बारे में पढ़िएगा, इतनी डेंजरस, इतनी बड़ी डेंजरस मतलब पॉजिटिव वे में है, इतनी बड़ी और इतनी ज़बरदस्त फर्म है कि आप जब इनकी देखें ना, जहाँ जहाँ इनका इन्वेस्टमेंट है, वन ऑफ द फिनोमिनल इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो वर्ल्ड्स की बिगेस्ट कंपनीज हैं उसमें इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो देखिए द कंसोर्टियम ऑल्सो कॉम्प्राइजिंग सऊदी सुवरेन फंड मुबादला विल इन्वेस्ट ₹4,000 करोड़ इन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड वाया कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ 10.53% स्टेक अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट दैट वैल्यूज द रिन्यूएबल बिजनेस ₹34,000 करोड़। देखिए पहला तो ब्लैक रॉक खरीद रहा है, ठीक है, दूसरा सऊदी सोवरेन फंड मुबादला 4,000 करोड़ डाल रहा है जिसमें वो 10.53% स्टेक लगाएगा, जो कि टोटल मिला के लगभग 34,000 करोड़ रुपए की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्टेक है, सेल पूरी डील बन रही है। और ये लोगों को लग रहा है कि भाई ये कम है जो वैल्यूएशन लोगों ने मानी समझी थी। बिसाइड द कंपनीज एबिलिटी टू स्केल अप इट्स रिन्यूएबल बिजनेस पावर बिजनेस अगेंस्ट कॉम्पिटिशन सच एज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी एंड NTPC लिमिटेड एंड अ रीसेंट रन अप इन द स्टॉक प्राइसेस मेड एनालिस्ट कॉशियस। देखिए
मैं वही कहता हूँ, जब स्टॉक बहुत भागने लग जाए ना, अचानक से लोगों को ना उसमें नेगेटिविटी दिखने लग जाती है, जो कि उस स्टॉक में बहुत लंबे समय से रहती है। लेकिन जब उसमें यूफोरिया बनाया जाता है, उसको एक तरफा चलाया जाता है, और मैं कहता हूँ जब ऐसा आया ना तो मोमेंटम बाइंग की जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इन्वेस्टमेंट उस समय नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है जब उसमें गिरावट हो, ठीक। और यही बात ये कह रहे हैं, जब शेयर में बहुत तेजी आ गई ना, तो एनालिस्ट ये देख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है कि टाटा पावर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार अपने बिजनेस बढ़ा रहा है, लेकिन कंपटीशन जब आप देखेंगे ना किसके साथ हो रहा है, रिलायंस के साथ हो रहा है, अडानी पावर के साथ हो रहा है, एनटीपीसी के साथ हो रहा है, फिनोमिनल कंपनीज एनर्जाट और अडानी और रिलायंस तो दोस्तों जबरदस्त काम कर रही है इस सेक्टर में, ठीक है। और उसके बावजूद, इतनी कॉम्पिटिशन के बावजूद, एक तरफा शेयर का भागना एनालिस्टों को काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कॉशियस बना रहा था, ठीक है। Now the share have rallied more than 18% over one month. एक महीने में 18% ये शेयर भाग चुका है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 तो केवल 8% भागा है, 5% भागा है, यानी कि 5% के सामने इसने 18% रिटर्न दिया है। और यही कारण है कि अब एनालिस्ट जो है वो थोड़े कॉशियस हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आप, सबसे पहले देखते हैं मॉर्गन स्टैनली का। देखिए, डाउनग्रेड रेडिंग टू इक्वल वेट फ्रॉम अंडरवेट, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने इसे डाउनग्रेड किया है और इक्वल वेट कर दिया अंडरवेट से, ठीक है। अब आप देखिए, रेजेस टारगेट प्राइस 2 rupees 244 फ्रॉम 288 rupees, 244 rupees का टारगेट कर दिया है 228 rupees से। नाउ द स्टॉक लैक कैटलिस्ट आफ्टर क्रेन बिजनेस मॉडर्नाइजेशन एंड एनसीएलटी अप्रूव टू मुद्रा मर्जर। अब कोई ऐसी तेजी की वजह नहीं दिख रही है मॉर्गन स्टैनली को, अब जो कि मुद्रा जो कह लीजिए वो जो सऊदी सॉवरेन फंड का जो डील हो गया है उसके बाद। एज्यूम इंटरनेशनल कोल प्राइस रिमेन एलिवेटेड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर 2025, कोल प्राइस भी ऊपर होने वाले हैं और 23 से 25 के बाद ही कम आएंगे, मतलब उनके प्राइस कम होंगे। राइजेस अर्निंग एस्टिमेट बाय 2% 144 एंड 22%, मतलब फाइनेंशियल 22 में 2%, देन 23 में 142, देन 24 में 22%, इस प्रकार का होने वाला है। CLSA उसने तो दोस्तों सेल टारगेट दे दिए हैं और रेजेस टारगेट प्राइस 2 rupees 212 195। देखिए, सेल टारगेट मेंटेन तो किया है, लेकिन जो टारगेट है उसे 195 से बढ़ा के 212 rupees कर दिया है। Now the deal lifts its financial 23-24 estimate by 3-5% deleveraging. देखिए, इस डील के बाद ना लगभग आप कह सकते हैं 3-5% की जो वो है, आप कह सकते हैं EPS है, वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक। लेकिन की क्वेश्चन अहेड इज हाउ डज टाटा पावर स्केल अप इट्स रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। अब ये है कि भाई देखने की वाली बात या समझने वाली बात कि टाटा पावर अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाता है। और सबसे बड़ा है कि जो कॉम्पिटिशन फिर से रिलायंस और अडानी के सामने, और ये मुझे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, रिलायंस और अडानी के सामने किस तरह ये दोस्तों बिजनेस बढ़ाएंगे, ठीक। आगे है डैम कैपिटल फॉर्मली IDFC सिक्योरिटीज, पहले IDFC सिक्योरिटी कहा जाता था, अब डैम कैपिटल। उन्होंने डाउनग्रेड टू न्यूट्रल द टारगेट प्राइस 260, न्यूट्रल तो किया लेकिन टारगेट प्राइस दोस्तों 260 कर दिया है, ठीक है। डील वैल्यूएशन आप देखिए एक्सपेक्टेशन बाय 20%, ठीक है। द डील सेट्स द वैल्यूएशन बेंचमार्क फॉर द न्यू एनर्जी बिजनेस, हाई इंटरनेशनल कोल प्राइस एंड एक्सपेक्टेड मुद्रा रिजोल्यूशन फॉर द कंपनी। जो कोल प्राइस ऊपर हैं दोस्तों, ये इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव काम करेंगे। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी कोल के थ्रू ही टाटा पावर आज भी कई जगह पावर पहुँचा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। HDFC सिक्योरिटी इसने भी दोस्तों डाउनग्रेड किया है टू सेल फ्रॉम रिड्यूसेस और टारगेट प्राइस 231 कर दिया है 277 से। एक लौती आप ऐसा देखेंगे जिन्होंने ना टारगेट प्राइस को काफी कम किया है ऊपर, इस तरह से जो पहले 277 था अब 231 हो गया है। स्ट्रक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डील बेटर देन द अर्लियर मोनेटाइजेशन प्लान थ्रू IVT, ठीक है। नाउ डील इज बिलो एक्सपेक्टेड इक्विटी वैल्यू ऑफ ₹4500। देखिए, लोगों का अंदाजा था कि लगभग 4500 के आसपास होगा, यानी 4500 करोड़ के आसपास होगा, और डील 4000 करोड़ में हुई, और ये काफी बड़ा कह सकते हैं सेटबैक लगा है एनालिस्टों को भी और निवेशकों को भी। और यही लगा रहना है कि हर कोई डाउनग्रेड कर रहा है या सेल के टारगेट्स दे रहा है, ठीक है। और ये लगातार हो रहे हैं जो दोस्तों चीज़ें, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आएगा क्यों डाउनग्रेड किया जा रहा है, क्यों ये डील के बाद शेयर में गिरावट हो रही है और क्यों कॉशियस रहने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे लग रहा है ना ₹200 के आसपास, ₹190 जो है ना, एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है इस कंपनी का भी, और ऑन द क्लोजिंग बेसिस। इसीलिए जब तक ₹190 नहीं टूट जाता ऑन क्लोजिंग बेसिस, कोई भी मुझे एक बहुत बड़ी सेल ऑफ या सेलिंग नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की निवेशकों को बिल्कुल से ज़रूरत है।
तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।